नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एटीएम में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त विकास प्रताप सिंह उर्फ विक्की को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई हेड ऑफिस से पुलिस को आया था अलर्ट की सूचना, भेजा जेल। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। जिले के 74 गांव हुए डेंगू से प्रभावित। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, पंचायती राज विभाग के अधिकारी लगातार कर रहे हैं काम। गांव में 3054 सफाई कर्मियों के साथ किराए के मजदूरों से भी चूना पाउडर तथा एंटी लार्वा का कराया जा रहा है छिड़काव। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अनजान नंबर से आए कॉल को ना दे कोई जानकारी व ना बताएं ओटीपी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के समय बरते सावधानी। गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत निकाली गई यातायात जागरूकता रैली। कहां जीवन है अनमोल, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक करने की है जरूरत। महानगर को डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम लगातार कर रही है फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा पार्षदों से उनके वार्डों में बंटवाई जा रही है क्लोरीन की दवाइयां। और स्वर्गीय मार्कंडेय चंद की आठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। उनके पुत्र व विधान परिषद सदस्य सीपी चंद सहित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। शाहपुर थाने की पुलिस ने एटीएम में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त को सीसीटीवी फुटेज से गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 5 नवंबर को सुड़िया कुआं स्थित एचडीएफसी बैंक एटीएम में चोरी करने वाले अभियुक्त को शिव मंदिर बौलिया रेलवे कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विकास प्रताप सिंह उर्फ विक्की पुत्र स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह निवासी बनकटवा थाना पीपीगंज हाल पता अशोक नगर बसारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त 5 नवंबर को सुबह समय 4 बजे से 5 बजे के बीच सुड़िया कुआ स्थित एचडीएफसी बैंक एटीएम में अज्ञात व्यक्ति द्वारा घुसकर चोरी करने का प्रयास कर रहा था कि एचडीएफसी बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई से प्रभारी निरीक्षक शाहपुर को चोरी के अलर्ट सूचना प्राप्त हुई, जिस पर शाहपुर पुलिस द्वारा त्वरित मौके पर पहुंचा गया, जिससे चोरी की घटना घटित होने से बच गई, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, हड़हवा फाटक चौकी प्रभारी महेश चौबे, कांस्टेबल वीरेंद्र सरोज अरविंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा,
हेलो 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 क्या कर रहे हो एटीएम में क्या काम है तुम्हारा क्यों छू रही हो एटीएम दिनांक 5 तारीख को प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में थाना शाहपुर की पुलिस को एक अलर्ट फ़ोन आया जो कि HDFC बैंक के हेडक्वार्टर से था कि उन शाहपुर थाना क्षेत्र में ही उनके ही एक ATM में कोई व्यक्ति द्वारा घुस करके उसमें चोरी का प्रयास किया जा रहा है, जो कि CCTV के माध्यम से हेडक्वार्टर तक उसके अलर्ट पहुंचा है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, जिसको देखकर कि वो व्यक्ति वहां से फरार हो गया, वो किसी भी प्रकार की कोई चोरी वहां पर नहीं कर पाया। इसी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित बैंक के कर्मियों द्वारा थाने पर एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। फुटेज के आधार पर और बाकी स्थानीय अभिसूचना के आधार पर इस व्यक्ति की पहचान हुई, जिसका कि नाम विकास प्रताप सिंह, जो कि थाना शाहपुर का ही रहने वाला है। पहचान होने के उपरांत एक टीम बना करके इसको कल दिनांक 10/11/2022 को इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करके संबंधित मुकदमे में इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। ये पहला वाक्या था, ये पहले भी देखिए अभी तक इसके द्वारा ये पहला ही वाक्या संज्ञान में आया है। बाकी और तथ्यों की जानकारी की जा रही है। इसके या इसके कोई और अन्य साथी अगर इस चीज में सम्मिलित है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा जो दावा व आपत्ति दिया गया है उसका 100% निस्तारण किया जाए। प्रदेश के कई जिलों में शिकायत प्राप्त हुई है कि नामों को काटा व बढ़ाया जा रहा है, इसलिए सभी जिलों के अधिकारी इसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए 100% निस्तारण करें और कोई बूथ जर्जर हो तो उसको बदल दिया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेस, AGM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार सर, डीएम गाजीपुर में उपस्थित हूँ सर। नमस्कार सर, डीएम महोदय बस आ रहे। नमस्कार सर, चंद्रविजय डीएम सोनभद्र बोल रहा हूँ सर। सर, निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन दिनांक 30/10/2022 के है सर। 88,851 सर रोपण हुआ है और 7,370 सर संशोधन हुए हैं सर। जो बिंदु संख्या 2 जो है सर, दावा आपत्ति के साथ ऐसा नहीं पुलिस शिकायत आ रही है कि जितने आपत्तियां ग्राउंड के कारण उसका निपटान नहीं जाएगा। सहारनपुर में टूट गया था सर, हमारे यहाँ से दो नगर पालिका सहारनपुर तैयार कर लिया,
जिले में डेंगू का महानगर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके संबंध में जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई है, जो 74 गांव डेंगू से प्रभावित हैं, उसका निरीक्षण किया गया और लोगों से फीडबैक लिया गया। छिड़काव, साफ सफाई की व्यवस्था की क्या स्थिति है, उन्होंने कहा कि डेंगू से प्रभावित गांव को चिन्हित कर साफ सफाई कराया जा रहा है, इसके साथ ही चूना पाउडर तथा एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। सभी गांव के प्रधान सचिव को निर्देशित किया गया है कि वह अपने गांव में एंटी लार्वा का लगातार छिड़काव कराते रहें और हफ्ते में एक बार फॉगिंग भी कराएं, ताकि कोई नया मच्छर पनपना सके और लोग डेंगू की बीमारी से प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा। पिछले महीने बाढ़ आने की वजह से और बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद मच्छर का प्रकोप जारी है, जिसको देखते हुए पंचायती राज विभाग के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। इसमें 3054 सफाई कर्मियों के साथ किराए के मजदूरों को भी लगाया गया है, जिससे कि गांव में किसी प्रकार का नाली नाला में जल भराव, गंदगी, झाड़ियां ना रहे, उसे अच्छी तरह से साफ सफाई कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, अभी जैसे कि कल ही जिलाधिकारी महोदय ने दिशा निर्देश जारी किया था, उसके तहत टीम बनाई गई थी जो हर ग्राम पंचायत में, जहाँ भी 74 ग्राम पंचायत है जहाँ पर भी डेंगू के मरीज मिले थे और जो लगभग 125 मरीज जो शहरी क्षेत्रों में मिले थे, उन सबों में टीम बना करके निरीक्षण किया गया। वहाँ पर लोगों से फीडबैक लिया गया कि किस प्रकार की सफाई और फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। ये टीम अपना रिपोर्ट आज तक देगी, इसके आधार पर हम लोग आगे और भी कार्रवाई करेंगे। अभी जो हमारा प्लान है, हम लोग रोस्टर बना करके गांव में सफाई करा रहे हैं, खासतौर से उस गांव को भी फोकस किया जा रहा है जिसमें डेंगू के कोई मरीज मिले। जो सफाई का अभियान है सभी ग्राम पंचायतों में, सभी 1200 में ग्राम पंचायत में चल रहा है, पर विशेष फोकस उन गांव में जहां डेंगू का मरीज है। इसके अलावा सभी गांव में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। प्रधान जीवा सचिव लोगों को विशेष रूप से ताकीद की गई है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो जो है गाँव में एंटी लार्वा का छिड़काव अवश्य करें और फॉगिंग हर एक हफ्ते में कम से कम एक बार फॉगिंग अवश्य कराते रहें, एंटी लार्वा का छिड़काव लगातार करते रहें हर एक 4-5 दिन में, ताकि कोई भी मच्छर नया पनप ही ना सके। अगर पनप जाता है तो फॉगिंग का इस्तेमाल करके मच्छर को जो है आगे बढ़ने से, किसी प्रकार की हानि पहुँचा, जनहानि करने से रोकें, ताकि किसी बीमारी का लोग संक्रामक बीमारी का लोग शिकार ना हो सके। तो ये अभियान चलाया जा रहा है, जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है अगले 15-20 दिन तक, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि बाढ़ जो आई थी लेट आई थी, पानी लेट आया था, जो बारिश हुई थी तो उसकी वजह से अभी भी नवंबर के महीने में भी मच्छर का प्रकोप अभी भी जारी है। तो हम लोग इसके लिए लगातार लगे हुए हैं, पंचायत राज विभाग का, ग्राम विकास विभाग का कटिबद्ध है। हम लोग मजदूर का भी उपयोग कर रहे हैं, किराए के मजदूर जो सफाईकर्मी हमारे 3054 है वो तो काम कर ही रहे हैं, उसके साथ लगभग हम लोग 1000 के आसपास मजदूरों को भी प्रयोग में ला रहे हैं कि जो भी हो गाँव में किसी प्रकार नाली में जल भराव ना हो, नाली में गंदगी ना हो, उसका झाड़ियाँ ना रहे, झाड़ियों में की कटाई हो जाए, और लोगों को साथ ही साथ ये भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो शौचालय का प्रयोग अवश्य करें, खुले में शौच करने ना जाए, क्योंकि शौचालय के प्रयोग नहीं करने से भी तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। तो लोगों को हर तरह से समझाया जा रहा है और लोगों को डेंगू या बाकी मच्छरों कैसे काटते हैं, उनसे बचाव के जो रास्ते हैं उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो पंचायती राज विभाग विभिन्न प्रकार की योजनाओं का मतलब मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी बना करके हम लोग इस पर वार कर रहे हैं, ताकि ज़्यादातर लोग जो है बचे रहें और सुरक्षित रहें। जनपद में हो रहे साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस समय अधिकतर कार्य ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है। फोन में बहुत सारे ऐप डाउनलोड होते हैं और बैंकिंग का भी अधिकतर कार्य ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए सभी नागरिकों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि बहुत से साइबर अपराधी इसका फायदा उठाकर नागरिकों को प्रलोभन देते हैं और किसी स्कीम में फंसाने का प्रयास करते हैं या किसी की फोटो को जोड़कर आपत्तिजनक बनाकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी को गलत तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए कोई भी नागरिक यदि ऑनलाइन कोई कार्य कर रहा है तो सावधानी पूर्वक कार्य करे
और फोन करके किसी के द्वारा कोई पिन ओटीपी या कोई जानकारी मांगा जाता है तो बिना किसी जानकारी के किसी को ना दें और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में विशेष रूप से ध्यान दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोअर ने कहा, देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में अधिकतम कार्य जो है वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। हर व्यक्ति के पास एंड्रॉयड और बाकी फ़ोन है जिसमें कई सारे ऐप्स डाउनलोड होते हैं, साथ ही साथ बैंकिंग के भी अधिकतम काम इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं और इसके अलावा चाहे वो शॉपिंग हो या कोई इंश्योरेंस हो या बाकी अन्य जितने भी काम हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि बहुत से साइबर अपराधी इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके इंटरनेट के माध्यम से आम जनता को प्रलोभन देते हैं, उनको किसी स्कीम में फंसाने का प्रयास करते हैं या किसी की फ़ोटो को मॉर्फ करके या उसकी व्यक्तिगत जानकारियों को इंटरनेट के माध्यम से गलत प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे घटनाओं से बचना बहुत ज़रूरी है और जो भी व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। किसी के भी द्वारा अगर कोई पिन आपसे मांगा जा रहा है, कोई कोड मांगा जा रहा है, कोई अन्य आपकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही है तो जब तक वो वेरीफाई ना हो जाए तो किसी के साथ भी ऐसी जानकारियाँ शेयर ना करें और विशेष रूप से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय ये इंश्योर करें कि वो एक प्रॉपर माध्यम से ही हो रही है और किसी के द्वारा अपराध कारित नहीं किया जा रहा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एटीएम में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त विकास प्रताप सिंह उर्फ विक्की को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई हेड ऑफिस से पुलिस को आया था अलर्ट की सूचना, भेजा जेल। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। जिले के 74 गांव हुए डेंगू से प्रभावित। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, पंचायती राज विभाग के अधिकारी लगातार कर रहे हैं काम। गांव में 3054 सफाई कर्मियों के साथ किराए के मजदूरों से भी चूना पाउडर तथा एंटी लार्वा का कराया जा रहा है छिड़काव। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अनजान नंबर से आए कॉल को ना दे कोई जानकारी व ना बताएं ओटीपी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय बरते सावधानी। गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत निकाली गई यातायात जागरूकता रैली, कहां जीवन है अनमोल, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक करने की है जरूरत। महानगर को डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम लगातार कर रही है फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा पार्षदों से उनके वार्डों में बंटवाई जा रही है क्लोरीन की दवाइयां। और स्वर्गीय मार्कंडेय चंद की आठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। उनके पुत्र व विधान परिषद सदस्य सीपी चंद सहित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह एवं एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्रपाल सिंह द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन करने के लिए यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से होते हुए डीएम आवास, हरिओम नगर चौराहा, अंबेडकर चौराहा, छात्र संघ चौराहा होते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में यातायात सड़क दुर्घटना बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। किसी भी वाहन चालक द्वारा थोड़ी सी लापरवाही करने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या विकलांग हो सकता है। जीवन अनमोल है, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक करने की जरूरत है।
वहीं एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात ना करने, नियंत्रित गति से ही गाड़ी चलाने, इंडिकेटर का प्रयोग तथा वाहन चलाते समय किसी प्रकार का नशा ना करने जैसे नियमों का पालन अवश्य करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरी प्रयास करेंगे तथा दो पहिए वाहन चलाते समय कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा ना कोई मैसेज भेजेंगे ना देखेंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। एक मिनट शुरू किएगा यातायात महा के अंतर्गत यातायात जागरूकता एवं सड़क सुरक्षा रैली आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के NSS के वॉलंटियर्स के द्वारा एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्मानित शिक्षकों के द्वारा यातायात पुलिस के साथ यातायात जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में VC गोरखपुर विश्वविद्यालय माननीय प्रोफेसर राजेश सिंह के द्वारा रैली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया एवं इस अवसर पर VC
महोदय द्वारा सभी विश्वविद्यालय के छात्रों एवं NSS के वॉलेंटियर्स के लिए यातायात सुरक्षा शपथ भी दिलाई गई। इस रैली के माध्यम से युवाओं के अंदर यातायात नियमों का पालन करने तथा आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से शहर के प्रमुख बाजारों एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से जनता को जागरूक करने का संदेश दिया गया। यातायात पुलिस सभी गोरखपुर वासियों से अनुरोध करती है कि स्वयं यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और यातायात के मामले में गोरखपुर शहर के लिए अन्य महानगरों की तर्ज पर यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था जनता को दी जा सके। सर, किन किन रास्तों से रैली का सर? ये रैली गोरखपुर विश्वविद्यालय से जिलाधिकारी आवास के सामने से होती हुई और तुमको ही तरह से होती हुई अम्बेडकर और छात्र संघ चौराहा होते हुए वापस विश्वविद्यालय प्रवेश द्वार पर समाप्त हुई। आज सरमाउंट इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा यातायात जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इस गोष्ठी में मेरे द्वारा सभी बच्चों के लिए एक अच्छे कुशल चालक में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह उसको सड़क क्रॉस करना चाहिए, चौराहा किस तरह क्रॉस करना चाहिए, किस तरह यू टर्न लेना चाहिए, कब ओवरटेक करना चाहिए, इन सभी नियमों के कानूनी पहलुओं के लिए विस्तार से समझाया गया एवं ARTO श्री संजय नाथ झा के द्वारा लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया तथा वाहन को रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया एवं वाहन के RC से मोबाइल लिंक कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया। यातायात पुलिस के द्वारा सभी बच्चों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात के लिए एवं अपना फीडबैक देने के लिए, अपना सुझाव देने के लिए मैपल्स ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने एवं मैपल्स ऐप के माध्यम से नेविगेशन करने हेतु भी सभी को निर्देशित किया गया एवं मैपल्स ऐप की बारीकियां बताई गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के माध्यम से सभी परिवारों में एवं गोरखपुर वासियों में यातायात जागरूकता का संदेश फैलाना है। थैंक यू। महानगर को डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम लगातार फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कर रही है, जिससे लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि डेंगू का प्रकोप महानगर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसको देखते हुए नगर निगम ने डेंगू के रोकथाम के कार्रवाई में तेजी लाई, जिसको देखते हुए डेंगू की बीमारी अभी काफी नियंत्रण में हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी भी शेखपुर, बसंतपुर, मिर्जापुर, इलाहीबाग में डेंगू के लार्वा, डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में लगातार एंटी लार्वा चूना और मेलेथान का छिड़काव कराया जा रहा है। इसके साथ ही नाला और नालियों में भी पानी ना रुके, इसके लिए नालियों का सफाई कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला निगरानी समिति के द्वारा पार्षदों से क्लोरीन की दवाइयाँ अपने वार्डों में बंटवाया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों के आसपास जैसे कूलर, कमला, टायर, ट्यूब, इन जगहों पर पानी इकट्ठा ना होने दें, इनका देखरेख करते रहें और घर में साफ सफाई पर ध्यान दें और फुल आस्तीन का कपड़ा पहने, जिससे कि मच्छर काटने से शरीर पर कोई असर ना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, जो डेंगू की बीमारी है वो आज से 15-20 दिन पहले नगर निगम गोरखपुर के क्षेत्र में और जनपद के विभिन्न ग्रामीण अंचल में बहुत तेजी से बढ़ी थी, लेकिन जिस तेज़ी से डेंगू की बीमारी बढ़ी उसी तेज़ी से नगर निगम ने अपनी निरोधात्मक कार्रवाई, जो अपनी इसके रोकथाम से जुड़ी हुई जो कार्रवाई थी उसमें बहुत ही तेज़ी ले आई।
और उसकी वजह से आज की तारीख में जो डेंगू की बीमारी है काफ़ी हद तक नियंत्रण में है। हमारे पास जो है हम लोग डेली सुबह जो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं, जहां पर डेंगू के लार्वा पाए जा रहे हैं, जहां पे डेंगू के पेशेंट पाए जा रहे हैं, जैसे शेखपुर है, बसंतपुर है, इलाहीबाग है, मिर्ज़ापुर है आदि, इन क्षेत्रों में जो है हम लोग लगातार मॉर्निंग में जो हमारे पास एंटी लार्वा है उसका छिड़काव, चूना और मेलाथियन के डस्ट का छिड़काव, साथ ही साथ जो सोडियम हाइपोक्लोराइट की जो हमारे पास गाड़ियां हैं उन पे हम लोगों ने मशीन लगाकर उसके माध्यम से लगातार छिड़काव कर रहे हैं। और इधर हम लोगों ने जहां लगातार शाम के टाइम जो है फॉगिंग हो रही थी, हमारे पास साइकिल वाली और गाड़ी वाली भी फॉगिंग मशीनें हैं, अब हम लोगों ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में तेज़ी लाने के उद्देश्य से दिन में भी जो है हम फॉगिंग करा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हमने क्लोरीन की जो दवाइयां हैं और जो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पे विशेष जोर दिया है, जहां कहीं छठ में के पूजा में कृत्रिम जो है पौंड बनाए गए थे, तालाब बनाए गए थे और उसके बाद उसमें पानी रह गया था, उन सभी जगहों को भरवा कर उसमें मिट्टी डाल के पटवा दिया गया है, जिससे कि इन पानी में जो डेंगू के लार्वा पनपने न पावें। इसके साथ ही साथ जो है हम लोग लगातार इस बात की सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो हमारे नाली हैं कहीं पे पानी रुकने ना पावे, पानी लगातार बहता रहे, इसीलिए इनकी सफाई पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं कि जो है कहीं पर भी नालियां जाम ना हो, नाला जाम ना हो। इसके साथ ही साथ फॉगिंग पर विशेष प्रयास चल रहा है, हमने मोहल्ला निगरानी समिति के माध्यम से जो हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं उनका भी सहयोग लगते हुए जो क्लोरीन की दवाइयां बंटवा रहे हैं एक पैकेट लेकर जहां जहां इस प्रकार के मरीज पाए जा रहे हैं, साथ ही लोगों के भीतर डेंगू का जो भय व्याप्त हो गया है उसको दूर करने के उद्देश्य से, और डेंगू की बीमारी के क्या लक्षण हैं, डेंगू की बीमार हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए, उसके संबंध में जो पंपलेट्स हैं हम अपने समस्त पार्षदगण और अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में बंटवा रहे हैं। और इस वक्त जो नगर निगम की टॉप टू बॉटम जो अधिकारियों की कर्मचारियों की जो फोर्स है उसको पूरी तरह से एक जो टॉप प्रायोरिटी वाला कार्यक्रम है वो है संचारी रोगों का जो संबंधित जो बीमारियां हैं उनका निस्तारण करना, उनका निराकरण करना, उनसे जुड़ी हुई जो भी एक्सरसाइज है उसको युद्ध स्तर पर लागू करना। तो अब जो हमारा इस वक्त डेंगू की जो बीमारियां हैं, कल भी देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास टोटल जो शहरी क्षेत्र में 123 जो है डेंगू के पेशेंट हैं और लगातार उनका इलाज चल रहा है, और हम जो संभावनाएं देख रहे हैं जिस प्रकार से एक्सरसाइज चल रही है आने वाले कुछ दिनों में डेंगू पे हम पूरी तरह से नियंत्रण पा लेंगे। लोगों से मैं सबसे महत्वपूर्ण अपील तो यही करना चाहूँगा कि वो अपने घरों के आसपास कहीं पर भी पानी ना इकट्ठा होने दें, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है कूलर में जैसे गमलों में या फिर जो टायर ट्यूब आदि जगहों पर या कुछ टिन के छत पे के ऊपर जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, घरों के आसपास कहीं पर भी घर के अंदर गंदगी है उन जगहों पर ख़ास तौर से डेंगू के लार्वा पनप रहे हैं। इसके साथ साथ हम सबसे अनुरोध करना चाहेंगे आप लोग जहाँ पर भी जाएँ फुल आस्तीन की जो शर्ट है उसका इस्तेमाल करें, कोई भी शरीर का अंग जो है कम से कम अंग हमारा खुला रहे जिससे कि मच्छर के काटने पे कोई विपरीत असर ना पड़ने पाए। तो सबसे चीज़ है कि जरूरी चीज़ है कि हम सफाई और पानी का इकट्ठा ना होने दें। स्वर्गीय मार्कंडे चंद की पुण्यतिथि के अवसर पर इंदिरा बाल विहार स्थित उनके आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधान परिषद सदस्य सीपी चंद सहित अन्य लोगों ने स्वर्गीय मार्कंडे चंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में विधान परिषद सदस्य सीपी चंद ने बताया कि स्वर्गीय मार्कंडे चंद की आठवीं पुण्यतिथि मनाई गई है, उनके आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त कर उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि उनका सपना था कि समाज की जातिगत भेदभाव व ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म किया जाए और सबको साथ लेकर चला जाए, जिसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इस अवसर पर मुन्ना सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधान परिषद सदस्य सीपी चंद ने कहा, मंगल मोदी मारुति नंदिनी, अकल मंगल बोले निकल मन, अकल मंगल बोले निकल मन।
स्वर्गीय मार्कंडेय जैन पूज्य पिताजी की 8वीं पुण्यतिथि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के उनकी जो आशीर्वाद है, उनका स्नेह है, उसको अपना उसको हम लोग साझा करते हैं, उनकी स्मृतियों को साझा करते हैं और उनकी जो प्रेरणाएँ थीं, उनके जो आशीर्वाद थे, उनके जो उद्देश्य, उनकी दिशाएं थी, उसको हम लोग फिर से एक बार फिर से याद करके, संकल्प लेकर के, शक्ति प्राप्त करके हम लोग अपने उद्देश्य में जुट जाते हैं। अवश्य किया जाएगा। उनका सबसे बड़ा जो सपना था, जो समाज में वैमनस्यता है, जाति का भेदभाव है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, उसको दूर करना और सबको साथ लेकर के चलना, उसी पथ पे हम लोग अग्रसर हैं और उनके ही उस उद्देश्य की पूर्ति के पथ पे हम लोग जो है प्रयासरत हैं। उनके स्मृति में एक संस्थान की स्थापना का संकल्प हम लोगों ने पिछले श्रद्धांजलि सभा में लिया था, उस दिशा में हम लोगों ने काफ़ी प्रगति की हुई है और उस पर निर्माण कार्य जारी है और संभवतः हम लोग अगली पुण्यतिथि उसी संस्थान में हम लोग मनाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी कामना। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। एटीएम में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त विकास प्रताप सिंह उर्फ विक्की को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई हेड ऑफिस से पुलिस को आया था अलर्ट की सूचना, भेजा जेल। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के साथ की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। जिले के 74 गांव हुए डेंगू से प्रभावित। डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, पंचायती राज विभाग के अधिकारी लगातार कर रहे हैं काम। गांव में 3054 सफाई कर्मियों के साथ किराए के मजदूरों से भी चूना पाउडर तथा एंटी लार्वा का कराया जा रहा है छिड़काव। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अनजान नंबर से आए कॉल को ना दे कोई जानकारी व ना बताएं ओटीपी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के समय बरतें सावधानी। गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत निकाली गई यातायात जागरूकता रैली, कहां जीवन है अनमोल, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समाज को जागरूक करने की है जरूरत। महानगर को डेंगू के प्रकोप से बचाने के लिए नगर निगम लगातार कर रही है फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा पार्षदों से उनके वार्डों में बंटवाई जा रही है क्लोरीन की दवाइयां। और स्वर्गीय मार्कंडेय चंद की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। उनके पुत्र व विधान परिषद सदस्य सीपी चंद सहित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।